हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मेडिएटेड ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। तो हार्मोन के जो मॉलिक्यूलर एक्शंस होता है, हार्मोन जो है सेल के अंदर एक्शंस दिखा रही है एंड हार्मोन सेल कम्युनिकेशंस के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी ग्रोथ हार्मोन हो गया बॉडी ग्रोथ के लिए, थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन वगैरह हो गया मेटाबॉलिज्म के लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। तो उनकी टारगेट एक्शंस क्या होता है कोई सेल के अंदर करेंगे, तो उनके मैकेनिज्म एक्शंस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कुछ हार्मोन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो कि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, कुछ होते हैं वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन या आपने फैट सॉल्युबल हार्मोन बोल सकते हो जिसमें आपका स्टेरॉइड हार्मोन आ जाएगा, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो उनके जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलर में बनी हुई है, तो ये तो है लिपिड, वाटर सॉल्युबल चीजें तो एंटर नहीं करेगा, इसलिए उनके रिसेप्टर यहीं पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है उनके रिसेप्टर जो है आपको आइदर साइटोप्लाज्म्स में देखने को मिलेगा, नहीं तो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है लिपिड सॉल्युबल एंड हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो फॉस्फोलिपिड बाइलेट से बनी हुई है, तो इसलिए ये क्या करता है आसानी से डिफ्यूज होके चले जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेडिएटर हम देखेंगे जो एक्शंस करवाने के लिए हार्मोन अपनी जो एक्शन शो करने के लिए कौन सी चीजों की हेल्प लेता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप फोकस करोगे वाटर सॉल्युबल जो है ना प्रोटीनियस हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने जीपीसीआर भी पढ़ा है, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में। तो होते क्या है, पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई हार्मोन्स आ गया, ठीक है ना, एक हार्मोन आ गया। हार्मोन आके क्या करेगा यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, स्पेसिफिकली यदि मैं जीपीसीआर की जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की एग्जांपल लेके चलूंगी, तो उनकी अल्फा जीडीपी जो है अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होता है, मैं नाम नहीं लिखती हूँ, एडेनाइल साइक्लेज होता है एंजाइम्स, जो क्या करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक एएमपी है क्या, एक सेकेंड मैसेंजर है, ठीक है। साइक्लिक एएमपी की जरूरत क्या होता है, वो चीजों को एम्पलीफाई करता है। मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हार्मोन्स आया है, क्योंकि हार्मोन्स आपको पता है हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, हार्मोन एक्शंस दिखाने के लिए एकदम लो क्वांटिटी होना भी जरूरी है, लो मॉलिक्यूलर वेट है एंड लो क्वांटिटी है ना। ऐसा नहीं कि 1 kg मतलब 1 लीटर हार्मोन्स की जरूरत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो साइक्लिक एएमपी जो है ये एम्पलीफाई करेगा। फिर साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। ये जो प्रोटीन काइनेज ए है एक्टिवेट होने के बाद साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट जो है बनाते हैं, तो ये चले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके साथ बाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चल रहा है, जहां पर पहला तो रिसेप्टर की बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो हो गया वाटर सॉल्युबल के लिए। यदि हम बात करेंगे किसके लिए ना, फैट सॉल्युबल्स के लिए, उनकी भी तो रिसेप्टर रहेगा, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो या तो न्यूक्लियस में, उसमें तो रिसेप्टर भी रहेगा। इस रिसेप्टर में एक डीएनए बाइंडिंग साइट भी रहेगा, वो डायरेक्टली जाके डीएनए को इंड्यूस कर रहा है। उनके रिसेप्टर में एक तो लिगैंड बाइंडिंग साइट रहेगा जहाँ पे आके हार्मोन्स एसोसिएटेड हैं, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी रहेगा जो जाके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसके साथ बाइंड होगा। उनका भी कुछ ऐसे रहा है, ठीक है। तो हमने देखा रिसेप्टर की जरूरत है, हमने देखा कुछ एंजाइम्स की जरूरत है, हमने देखा कुछ सेकेंड मैसेंजर की जरूरत है, हमने देखा कुछ प्रोटीन काइनेज ए की मतलब फॉस्फेटेज की जरूरत है ना, प्रोटीन काइनेज की जरूरत है। और मान लीजिए हार्मोन जो चीज करने के लिए गया था, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स फॉर्मेशन होता है लो क्वांटिटी में, उसके काम होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इसलिए फॉस्फेटेज की भी जरूरत है। काइनेज जो चीजों को एक्टिवेट कर रहा है, जब वो चीज हो गया सारी चीजें आपको स्टॉप करनी है, तो उसके बाद आप फॉस्फेटेज सिंथेसाइज करोगे, फॉस्फेटेज सिंथेसिस होगा, चीजों को स्टॉप करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली सेल ग्रोथ होता रहेगा, वो तो कैंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इसी तरीके से हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मेडिएटर, यानी कि वो जो मैकेनिज्म्स को कंडक्ट करने के लिए कौन सी चीजें की रिक्वायरमेंट है, बस इतना ही हमको पढ़नी है। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दो, यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सेमेस्टर की तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये है नंबर 7894226802, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। एक्चुअली क्या है ना, अभी प्ले स्टोर में कुछ दिनों के लिए वो अवेलेबल नहीं है, आप जिस लोग बच्चे पूछ रहे थे तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपकी जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी टीम काम कर रही है उसके लिए, फिर जब अवेलेबल होगा मैं आपको बता दूंगी। एंड पूरा का पूरा क्लासेस एंड सेमेस्टर वाइज कोर्सेस एंड पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप एड स्टार्ट के साथ कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर बस आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है कि मॉलिक्यूलर मेडिएटर आर द कंपोनेंट हु रेगुलेट द हार्मोन्स एक्शन इनसाइड द सेल। तो वो कंपोनेंट्स होता है, हमने अभी देख लिया, वो रिसेप्टर हो सकता है जो रिसीव करेगा हार्मोन्स को, तो उसके बाद एंजाइम हो सकता है, ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड मैसेंजर जैसे हमने साइक्लिक एमपी देखा, उसके बाद हमने देखा काइनेज जो कि एक्टिवेट करेगा है ना न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने के बाद, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिस वजह से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा, इंड्यूस करेगा डीएनए को तुम आरएनए बनाओ, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। फिर सारी चीजें जब हो जाएगा, चीजों को स्टॉप करने के लिए हमको फॉस्फेटेज की जरूरत होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया चीजें कि, और ये जो मॉलिक्यूलर मेडिएटर होता है उनकी मेन फंक्शंस क्या होता है, चीजों को एम्पलीफाई करना। मान लीजिए एक है ना 1 मोलिकुलर हार्मोन आया था, उसको है ना 10^5 कर लेगा, तो फाइन ट्यून परफेक्टली जो है कास्केड चलना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे चाहोगे आपको रेगुलेशन कर सकते हो एंड मॉड्यूलेट द हार्मोन्स इफेक्ट, हार्मोन्स के काम करवाने के लिए, ठीक है। ये है जीपीसीआर की आपके जो है डायग्राम, आप देख सकते हो पहला स्टेप में जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, इसलिए उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये उनके एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है, यहाँ पे 3 ऐसा प्रोटीन है जी प्रोटीन कपल्ड। जी प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो प्रोटीन 3 होता है, अल्फा बेटा गामा। अल्फा के साथ जीटीपी आके बाइंड होगा, उसके बाद अल्फा जीटीपी हो जाएगा, ठीक है, अल्फा जीटीपी होगा। तो अल्फा जीटीपी होने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे एक एंजाइम है एडेनाइल साइक्लेज, उन्होंने इस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। जब साइक्लिक एएमपी बन गया वो सेकेंड मैसेंजर हो जाएगा, उनकी अमाउंट ज्यादा होने से। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसमें कुछ रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक सब यूनिट्स रहता है, उसको सेपरेट करके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो साइटोप्लाज्म में है, अभी एंट्री करेगा किसके अंदर ना न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा। इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी, ठीक है ना, सीआरईबी बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट, जहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज ए जो है वहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे चीजें जो है इस तरीके से चलता है। यहाँ पे जीपीसीआर वही चीज है जहाँ पर ग्लूकागन के लिए दे रखा है, ग्लूकागन एक हार्मोन है, इंसुलिन ग्लूकागन आपने पढ़े हैं। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, लेकिन ग्लूकागन क्या करेगा, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे रिसेप्टर, पहला जो मॉलिक्यूलर मेडिएटर है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या 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 हो सकता है, या तो सेल सरफेस में हो सकता है, कौन सी हार्मोन्स के लिए, प्रोटीनियस हार्मोन्स के लिए, वाटर सेल्युलर हार्मोन्स के लिए, एंड ये इंट्रासेल्युलर हो सकता है सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है फॉर द स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, ठीक है। तो रिसेप्टर में कौन कौन आ सकता है, सिग्नलिंग कास्केड जी प्रोटीन रिसेप्टर इसके लिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो इनकी जो रिसेप्टर है, जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, खुद ही कोई ट्रांसलेशनल एक्टिवेशन के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। फिर होता है एंजाइम, जैसे मैंने बात किया एडेनाइल साइक्लेज, ये क्या करेगा, अल्फा जीटीपी को एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर रहा था, तो कुछ एंजाइम्स की भी ऐसे जरूरत होता है, ठीक है, जो चीजों को कन्वर्ट करने में सेकंड मैसेंजर बनाने में हेल्प कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स है। फिर हम देखेंगे सेकेंड मैसेंजर की रोल, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना नाम याद रखने, 1 2 3 4 इतना नाम याद रखने। ऐसे पूछा जाएगा आउट ऑफ दिस व्हिच इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर, व्हिच इज ए सेकंड मैसेंजर, आपको 4 ऑप्शंस में कुछ मान लीजिए व्हिच इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर ऐसे 3 यहाँ से दे देगा, ठीक है, और कोई दूसरा कुछ नाम दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लिक एएमपी, आईपी है ना, आईपीटी3 इनोसिटल ट्राइफॉस्फेट, आईपीटी3, डायसेल्यूलर एंड कैल्शियम, ये जितने होते हैं वो सेकेंड मैसेंजर होते हैं। सेकेंड मैसेंजर जो है, जैसे जो है पोस्टमैन ने चिट्ठी लेके आपके दरवाजे तक आए, आपके दरवाजे से आपने पप्पे तक लेके गए हैं, आप सेकंड मैसेंजर हो गए, बस इतना याद रखिए चीजों को। सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल रिले द सिग्नल, जो सिग्नल आया था उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर तक जान लेने के लिए वो हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, रिले द सिग्नल बाउंड रिसेप्टर टारगेट सेल, ठीक है। तो इनके नाम बस आपको याद रखनी है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी भी होगा, मान लीजिए एग्जाम में साइक्लिक एएमपी ना देकर साइक्लिक जीएमपी दे देगा तो भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे प्रोटीन काइनेज, साइक्लिक एएमपी बनने के बाद वो प्रोटीन काइनेज ए को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, वो ऐसे उनका 4 एक्चुअली इस तरीके से रहता है, एक है ना रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक सब यूनिट्स रहता है, वो रेगुलेटरी सब यूनिट्स को रिमूव करता है, जिस वजह से कैटालिटिक सब यूनिट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब एक बार प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा तो कोई भी है ना, कोई भी चीजें से फॉस्फेट ऐड करना एक एक्टिवेशन होता है। जब आपने सेल साइकिल पढ़ा है तो आपको पता होगा है ना, साइक्लिन सीडीके फॉस्फेट ऐड करोगे तो क्या होगा, चीजें एक्टिवेट होंगे, पावर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, फॉस्फेट ऐड करना चीजों को पावर मिलेगा। जो फॉस्फेट को रिमूव हम करते हैं, फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मान लीजिए आपको स्टॉप करनी है तो आप क्या करोगे, फॉस्फेटेज को ऐड करोगे। तो फॉस्फेटेज को ऐड करोगे तो चीजें रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ होते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर होता है जैसे कि मान लीजिए मम्मी लोग जो होते हैं, मम्मी है तो वो रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। मान लीजिए वो क्या करेंगे, ठीक है ना, चांटा लगेगा मान लीजिए क्या है, तो हाँ मेरा बेटा या बेटी अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, मान लीजिए पापा ने अपने चांटा लगाया, हाँ तो ठीक है, तो ये क्या करेंगे रेगुलेट करेंगे, अच्छा है अच्छा है, तो और चांटा नहीं लगेगा। मान लीजिए पापा चांटा लगा रही है, फिर वो बोलेगा ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है, और चांटा और चांटा, ठीक है। तो इसी तरीके से रेगुलेटर भी कुछ होते हैं कि आपको फॉस्फेट, ठीक है ना, फॉस्फेट आपको लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए और कोई रेगुलेट कर रहा है, तो वही चीज होता है। तो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए वो हेल्प करता है। प्रोटीन काइनेज ए भी है, सी भी है, और एक होता है माप काइनेज होता है, माइटोजन एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज होता है, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट होता है। टायरोसिन काइनेज होता है, रिसेप्टर और डायमेरिक फॉर्म में जब रहेंगे, ठीक है ना, तो इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन के लिए टायरोसिन रिसेप्टर होता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। एंड आपका ग्लूकागन के लिए होता है जीपीसीआर, ठीक है ना, ये भी कभी कभार मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, याद रखिए। टायरोसिन काइनेज जो है इंसुलिन के लिए रिसेप्टर है, ग्लूकागन के रिसेप्टर जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेंगे, मतलब है कि वो एक्टिवेट करेंगे ट्रांसलेशनल फैक्टर को। तो फिर ट्रांसलेशनल फैक्टर वो फैक्टर होता है, वो मान लीजिए डीएनए है, इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसलेशनल फैक्टर बाइंड होने के बाद इस डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। तो हार्मोन्स दैट एक्सर्ट देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट थ्रू आउट द ट्रांसलेशनल फैक्टर, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर हो सकता है या सीआरएबी साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर एलिमेंट्स जो वगैरह होता है, वो ट्रांसलेशनल फैक्टर के हिसाब से काम करेंगे। जब वो आके बाइंड हो जाएंगे पर्टिकुलर डीएनए जो है आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, और एक बार आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बन ही जाएगा। उसके बाद होता है फॉस्फेटेज। मान लीजिए सारे काम हो गया, ठीक है, जितना आप चाह रहे थे ग्रोथ करने के लिए, जो प्रोटीन चाहिए था, जो एंजाइम चाहिए था, सब बन गया। उसके बाद स्टॉप करनी है चीजों को, तो फॉस्फेटेड बनाओगे तो काउंटर बैलेंस करेगा काइनेज को, एक्सेस, ठीक है ना, काइनेज चीजों को बढ़ा रहा था, फॉस्फेटेज जाके रोकेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से जो होता है मॉड्यूलेट किया जाता है जो रेस्पॉन्स है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में पूछिए।